All uh right. -huh. होगा बहुत अच्छी वीडियो बनाई है सही जिसे बहुत गुड हो गया जी तो जिससे कैसे आप लोग उम्मीद करता करते आप लोग बढ़िया होंगे तो फिर से लेके आ चुका आप लोग न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग तो गैस अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को तक देखते रहना आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से क्या करना है और गाइज अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए गए आज का वीडियो बनकर किस तरीके शुरू करते हैं तो क्या आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको जो अपना लाइट मोशन ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद यहाँ से आना प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दो प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लेना है एक है सेक इफेक्ट और एक है बीट मार प्रोजेक्ट ठीक है तो अब दोनों ही प्रोजेक्ट को इजीली डाउनलोड कर लेना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो क्या आपको सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ से आने के बाद आपको सबसे पहले आपको अपना बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन करना है ठीक है आप इसको जैसे ओपन करोगे तो क्या आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का दिख जाएगा देख सकते यहाँ पर लिरिक्स दिख जाएगा और यहाँ पर जो आपको सॉन्ग मिल जाएगा ठीक है कुछ इस तरह से तो यहाँ पर क्या करना होगा फिर आप आगे जाओगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर बीट दिख जाएंगे जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर बीट दिख जाएंगे कुछ इस तरह से तो आपको क्या करना है यहाँ पर अपने इमेजेस को ऐड करना ठीक है बीट के हिसाब से तो यहाँ पर क्या करना है इस, इस एरो पे क्लिक करके फर्स्ट इमेज पे आना बीट की तरफ आना प्लस पे क्लिक करना है मीडिया पे जाना और यहाँ से क्या करना है कि आप अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेना जहाँ पर भी आपका इमेज रहेगा आप उसको सिंपली सिलेक्ट कर लेना ठीक है करने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको सिंपली अपने फोटो पे क्लिक करना है ठीक है आपको अपने फोटो पे क्लिक करना है यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है फिर यहाँ से नेक्स्ट बीट पे आना और यहाँ से इसको ट्रिम कर देना है ठीक है उसके बाद फिर आपको प्लस पे क्लिक करना है मीडिया पे जाना है फिर आपको अपने कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट करना है फिर यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है और यहाँ से इसको ट्रिम कर देना है तो क्या कुछ इस तरह से जो है आपको अपने इमेजेस को यहाँ पर एक एक करके पूरा एंड तक एड कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इस तरह से आप नॉर्मली जो अपने फोटोज़ को पूरा एंड तक आप ऐड कर लेना थ्री डॉट पर क्लिक करना फिर फिल फिर एरिया करके यहाँ से इस तरह से जैसे आपको अपने इमेजेस का हमें पूरा एंड तक ऐड कर लेना है ठीक है तो कैसे यहाँ पर इमेजेस को ऐड करने के बाद आपको क्या करना होगा कि फिर से बैक आना है और यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपने चल जाना सेक इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट पर ठीक है और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना देख सकते हो फर्स्ट इमेज दिख रहा है इस पर क्लिक करना है इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना ठीक है उसके बाद आपको फिर से बैक आना है फिर से चल जाना है अपने बीट प्रोजेक्ट पे और यहाँ पर आ जाना है आपको फर्स्ट बीट की तरफ ठीक है और यहाँ पर क्या करना है कि आपको फर्स्ट इमेज पे क्लिक करना है इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना उसके बाद आपको एक इमेज को छोड़ देना फिर आपको अगले इमेज में पे पेस्ट कर देना है तो कैसे जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इस तरह से आपको इफेक्ट पेस्ट करना फिर आप एक इमेज को छोड़ देना फिर एक इमेज में पेस्ट कर देना तो गाइज यहाँ पर कुछ इस तरह इफेक्ट को आपको पेस्ट करना है एक एक करके ठीक है और आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना ठीक है तो यहाँ पर इस तरह से वन बाई वन करके आप पूरा इफेक्ट को पूरा एंड तक पेस्ट कर लेना करने के बाद आपको क्या करना है फिर से बैक आना है और आपको फिर से अपने सेक इफेक्ट और प्रोजेक्ट पे जाना और यहाँ पर आना सेकंड इमेज पे और यहाँ पर इस पर क्लिक करना इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना ठीक है उसके बाद आपको फिर से बैक आना और यहाँ से आपको बीट मार प्रोजेक्ट पे चल जाना है और यहाँ से अपने फर्स्ट इमेज की तरफ आना और यहाँ से जहाँ जहाँ इमेज को आपने छोड़ा है आपको वहाँ पर सिंपली इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है तो गाइज़ काफ़ी ज़्यादा सिंपल है इस तरह से कर सकते हो आप आराम से एडिट तो यहाँ पर फिर से जहाँ जहाँ आपने छोड़ा था तो इस तरह से गाइज यहाँ पर इस तरह से इफेक्ट को पेस्ट करना है तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से यहाँ पर इफेक्ट को पेस्ट करना है तो इस तरह से आप जो है इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर लेना है ठीक है करने के बाद आपको क्या करना होगा फिर से बैक आ जाना और यहाँ से आपको चल जाना फिर से अपने सेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पे और यहाँ पर आ जाना और यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके पांचों लेयर को सिलेक्ट करना प्लस पे क्लिक करके कॉपी फाइव वेक कर देना ठीक है उसके बाद आपको फिर से बैक आ जाना है फिर से आपको अपने सेक की फैक्ट्री बीटमार प्रोजेक्ट पे जाना है प्लस पे क्लिक करना है पेज फाइव लेयर कर देना है ठीक है उसके बाद आपको क्या 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 करना पूरा एंड तक आ जाना है एंड तक आने के बाद आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करना है और ये पाँचों लेयर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कुछ इस तरह से एंड तक ले आना है तो गाइस देख सकते हो आपके फोटो में काफ़ी अच्छा कलर ग्रेडिंग आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद और उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना होगा कि गाइस आपको यहाँ से जाना शेयर वाला आइकन पे और यहाँ से क्वालिटी को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना आपका वीडियो जो है यहाँ पर सेव हो जाएगा तो आज के इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर तब तक के लिए बाय बाय